हाय एवरीवन, वेलकम टू काजल ब्लॉग्स। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और रोज़ की तरह मैं एज यूजुअल रेडी हूँ। तो अपना डे स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा बैंगलोर आई ही हूँ तो यहाँ का फ्लैग टूर करा दूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ फ्लैग टूर शेयर करने जा रही हूँ। सो आर यू एक्साइटेड टू सी आवर फ्लैट? ऑफकोर्स यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम लोग का एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। फिलहाल अभी बंद कर देते हैं। और ये है हम लोग का बेडरूम। अभी हम लोग बेड या चौकी वगैरह लिए नहीं है, यहाँ गद्दा बिछा के नीचे ही सोते हैं। यहाँ दो अलमीरा है, ये वाला मेरा है, ये दी का है, और ऊपर भी दो अलमीरा है, बट ये इतना ऊपर है कि कुछ सामान रखा नहीं जाता है, मतलब हम लोग का हाथ पहुँचता ही नहीं है। लंबा सा टूल या टेबल लेके कुछ रखा जाएगा सामान, बट उतना लंबा टूल हम लोग के पास अभी है नहीं। और इस रूम में एक विंडो है जहाँ नेट लगा दिया गया है पहले ही, तो मॉस्किटो वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉस्किटो नेट पहले से लगा हुआ है। और यहाँ कुछ ख़ास सामान है नहीं, बस दी का ट्रॉली है और मेरा ट्रॉली है। फिर यहाँ से निकलते हैं और ये वॉशरूम है। अब वॉशरूम क्या ही दिखाना, फिर भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये वॉशरूम के ऊपर भी अलमीरा है जहाँ गीज़र को रखा गया है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ढूंढ रहे थे गीज़र कहाँ है, फिर अचानक से दिखा कि ऊपर है गीज़र। यह है बालकोनी। बालकोनी आने के बाद बालकोनी की सफाई नहीं किए हैं, तो एक दो दिन में सफाई कर दूंगी। और यहाँ पर घुसते ही पता नहीं किसी कुत्ते या बिल्ली ने पॉटी करके रखा है, तो इसे साफ़ करना होगा। और यहाँ बहुत तेज़ हवा देता है, कभी हवा कभी धूप, और यहाँ तेज़ हवा भी देता है। बैठने में अच्छा लगता है, यहाँ से हम लोग कुर्सी लगा के आराम से बैठ कर चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और ये कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है, यहाँ बिल्डिंग्स एक जैसा ही दिखता है। ये नीचे और ये है हम लोग का हॉल। बालकोनी बंद कर देते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये हम लोग का हॉल है। हॉल में भी एक विंडो है जहाँ मॉस्किटो नेट पहले से लगा दिया गया है, तो मॉस्किटो वगैरह नहीं आता है। यहाँ मैंने चटाई बिछा दिया है और यहीं पर मैं काम करती हूँ बैठकर, और दी भी यही काम करती है। दी ऑफिस गई है। ये स्टडी टेबल मेरा नहीं है, दी का है, बट दी ऑफिस गई है तो खाली रखा हुआ रहता है, तो मैं यहाँ काम कर लेती हूँ। और ये अलमेरा में हम लोग के भगवान जी रहते हैं, कृष्ण भगवान। और यहाँ चार्जर, लैपटॉप चार्जर और फ़ोन चार्जर वगैरह रख लेती हूँ। इस टेबल पे दो चार अलमीरा है, यहाँ भी कुछ सामान रखा जा सकता है। यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे हैं। और ये है हम लोग का किचन। घर में किचन ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किचन अच्छा होने से काम करने में मन भी लगता है, क्योंकि हम लोग को 1 से 2 घंटा यहाँ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और किचन का सामान मैं ये सब अलमीरा में रखती हूँ, ये सारे 3-4 अलमीरा है, यहाँ मैंने सारे सामान रख दिए हैं। और लंच मैं बना चुकी हूँ, राइस है, इसमें मैंने सोयाबीन बनाया है, और इसमें दाल है, और इसमें बॉयल पोटैटो है। इसका अभी कुछ नहीं करना है, रात को देखा जाएगा इसका क्या बनाना है। और किचन में भी एक विंडो है,
पर यहाँ मॉस्क्यूटो नेट नहीं है। किचन में खाना बनाते वक्त मैं हमेशा एक विंडो ओपन कर देती हूँ, और ऊपर भी अलमीरा है, ऊपर भी मैंने कुछ थोड़े बहुत सामान वगैरह रखे हैं, क्या क्या है पता नहीं। तो यही था मेरा होम टूर। और हाँ, बाहर निकलते वक्त यहाँ एक बेसिन है ब्रश करने के लिए। कैसा लगा आप लोगों को हम लोगों का फ्लैट टूर, या बोल सकते हैं होम टूर? अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, नए नए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है कार आनंद काजल, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आज के लिए इतना ही, तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।